वैसे मम्मी जी, करण के गायब होने का इल्जाम लगेगा किस पे? बोलो जी। कुलवंत कौर कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा करण कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? वाह जी वाह, वो बड़ी अग लगी है अपने बच्चे नू मिलन दी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ कुलवंत कौर। ओ दीवान साहब, अपनी नजरे घुमा के देखो, आपका करण आपके पीछे है। लीजिए दीवान साहब, थोड़ा बच्चा। पुत्र जी, कोई मेरे पूछ लूं? करण पुत्र, ओए, वो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आओ मम्मी जी, देखिए बात करूं। करण को उसके पापा से कोई अलग नहीं कर सकता। अब पापा और करण हमेशा साथ रहेंगे। आपके लिए वैसे एक सरप्राइज है, देखना है आपको। कैसा लगा पुत्र जी सरप्राइज? आपके फेवरेट बलून और टॉयज, आपको पता है बस सुबह से आपके लिए बलून फुला रहे हैं, अच्छे लगे ना? दीवान साहब जरा रुकिए तो। मम्मी जी। हेलो। ओ दीवान साहब, वेखिया कितनी पक्की है कुलवंत कौर ढिल्लों अपनी जुबान की, जो कहती है वो ही करती है। हमने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। दीवान साहब, डील याद है ना? याद है। मैं ये सब कुछ अपने बच्चे अपने करण के लिए कर रहा हूँ। तुम मुझे मेरा करण ला कर दो, वादा करता हूँ सरबजीत, चाह कर भी तुम्हें इस केस में सजा नहीं दिलवा पाए, बल्कि इस केस की तलवार मैं तुम तीनों के सर से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूं, वादा है मेरा। ओ बिक्रम जी, समझो आपका काम हो गया। फिक्र मत कीजिए, आपका काम भी हो जाए। मैं सरबजीत जी को किसी भी हाल में बता नहीं सकती कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लगता है नेहर जी निकल गई हैं करण की वैक्सीनेशन के लिए। जी, मुझे लगता है आप ड्राइव कर रही हैं। आई होप आप अपने बादरू को इंजेक्शन लगवाने के लिए निकल चुकी हैं। करण को थोड़ा दर्द होगा, रोएगा भी, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, शेर का पुत्र है, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ सर जी, जी कुछ नहीं होगा हमारे बादरू को, कुछ नहीं होगा, मैं होने ही नहीं दूंगी। आई नो करण की वैक्सीनेशन के बाद आपकी हालत बहुत खराब हो जाती है, खुद जो घबराई होती है, बट जस्ट रिलैक्स, ओके, एंड लेट मी नो व्हेन यू रीच, बाय। अगर मम्मी जी के पास करण नहीं है तो करण पक्का मानव के पास ही होगा, लेकिन मानव तो घर पे आया भी नहीं। कैसा लग रहा करण पुत्र जी, पापा के साथ पहली लॉन्ग ड्राइव पे जाके?
मजा आ रहा है ना? क्या और तेज चलाऊं? जी अभी आप छोटे हो ना, तो स्लो स्लो, पर आप जब बड़े हो जाओगे मेरी जगह ड्राइव करना और मैं आपकी जगह बैठाऊंगा और बोलेंगे करण पुत्र वो गड्डी थोड़ी स्लो चलाई, करण बोलेगा नहीं पापा गड्डी तो मैं फास्ट ही चलाऊंगा। भाई मेरा अलग अलग शुक्र जो आज तूने मुझे मेरी दुनिया मेरा सब कुछ मेरा बेटा मेरी जान मुझे दे दी, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा भाई गुरु। इतना टाइम हो गया मैं मम्मा करण को लेके क्यों नहीं आई कई पर की तरह, करण को भी बैड अंकल ने उठा तो नहीं लिया जब परम कितना रोया था और परम को मेरे मम्मा पापा की कितनी याद आई थी, करण भी पापा को मिस कर रहा होगा, परम पापा को फोन करके कहता है कि वो करण को जल्दी से ढूंढे। हेलो मिस्टर गिल। हेलो डॉक्टर। टाइम फॉर योर चेकअप। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? पापा फोन उठाओ ना। भेज देंगे सर, भेज देंगे, बस कुछ दिनों की बात है, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेते रहिए एंड खाना भी टाइम पे खाइए। वो सब ठीक है लेकिन दिवाली मुझे मेरे बच्चों के साथ मनानी है। जी जरूर सर, हो जाएगा। ओके। पापा क्यों नहीं फोन उठा रहे हो आप? अदिति अब तो बता दे ये लंच किस खुशी में? मुझे प्यार हो गया है। एक बार फिर से अब ये नहीं पूछोगे किससे? किससे? तुम्हारे जीजू विक्रम से। हमें तो जीजू से तूने कभी नहीं मिलवाया। कहाँ से मिलवाती, लॉकडाउन में जो हुई थी इनकी शादी। जीजू को बोलना यहाँ आए और हमसे मिले। एक्चुअली योर जीजू इज टू बिजी, आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पर आ पाएंगे। Excuse me, please my room key. क्या हो गया मेरे कुचलू को? क्या देख रहे हो आप? आपके यहाँ सबसे स्पेशल क्या है? सरसों का साग है मैम, ऐसा साग पूरे अमृतसर में कहीं नहीं मिलेगा। स्विमिंग करनी है आपको? पुत्र जी अभी कैसे, अभी आप बड़े हो जाओ, पापा और करण दोनों मिलके स्विमिंग करेंगे। एक्चुअली विक्रम को भी सरसों का साग बहुत पसंद है। मैं देखती हूँ अगर वो यहाँ पर आ पाता है तो। कुछ ज्यादा ही बिजी है, उठा ही नहीं रहे। एनीवेज और बताओ। अच्छा लगा सीना साहब के घर जाकर, लेकिन काफी लेट हो गए ना हम। आज ना करण का वैक्सीनेशन भी था, आई थिंक मेहर उसे अब तक लेकर घर से तो निकल चुकी होगी और परम बेचारा घर पे अकेला होगा। लेट मी चेक। हाँ फोन करके देख। करण मेरे भाई तुम कब आओगे? हेलो 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 कौन बोल रहा है? हेलो कौन? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हमेशा ना इस स्ट्रेच पे नेटवर्क इशू रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मुझसे ज्यादा इज्जत तो उस विक्रम दीवान की है, फालतू आदमी साला। उस दिन शराब पी के वो सरब ब्रो के साथ भिड़ गया, इतना तमाशा किया, सरब ब्रो के साथ मारा मारी की। कोई और होता ना तो उसे अपने घर के बाहर खड़ा भी नहीं रखता, और एक तुम लोग हो उसे अपनी पलकों पे बिठा के रखा है। रॉबी उस दिन विक्रम ने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी, he was not in his senses, फिर भी विक्रम ने सरब की जान बचाई, और तुम ये बार बार इज्जत इज्जत क्या कर रहे हो? बेबी वो मैं मेरा ना मुंह मत खुलवाओ,
शराब और सट्टे की लत में तुमने कितने कांड किए हैं वो सब मुझे पता है। एंड विक्रम इज अ जेंटलमैन, सीबीआई ऑफिसर है, वो देश की सेवा करता है, तुम्हारे जैसा वेला आदमी नहीं है। इज्जत की बात करते नंगी तार छुली क्या? वो कांप तो ऐसे रहा है जैसे करंट लगाओ। क्यों होया? वंडरफुल जी वंडरफुल। ओ आई थी मेरी शेरनी, ताड़े मार के चली गई। मेहर? आहो, उसी शेरनी की धाड़ से ऐ वेक चूहा किसरा कमरे है। बाजी बाजी। यार मम्मी जी, ये टाइम ना खिलखिल हंसने का नहीं है, कोई नई तरकीब सोचने का है। एक तो वैसे ही हम तीनों के ऊपर मर्डर केस चल रहा है, अब आपके चक्रों में मुझे लगता है कि हम तीनों के ऊपर ना किडनैपिंग का भी केस चलेगा। वो जिंदगी सड़ जानी है हमारी जेल में, वो भज जाना साड़ी बोटियां ने किसी और दे नाल। मम्मी जी, वो करण को उठा के कोई गलती तो नहीं कर दी हमने? पता है मेरा दिल क्या कर रहा है? क्या? तुम दोनों को वो छोटा दिमाग छोटी सोच। उन सुनो मेरी गल, हमने विक्रम दीवान को क्या दिया? करण। और करण के बदले में हमको क्या देगा? दुआएं देगा मम्मी जी। ओ बेवकूफो, दुआएं नहीं, करण के बदले में हमें देगा इस केस से आजादी। लेकिन मम्मी जी, मेहर उसने चुप नहीं बैठना। आओ मम्मी जी, वो आप देख लेना, मेहर ने कुछ भी करके ना विक्रम दीवान से अपना करण छीन लेना है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। वो अब तक तो उसने छीन भी लिया होगा। वो खालिस सरदार नहीं है मेरी गुड़ी, बड़ा कुछ सा है उसके करण को इस दुनिया में लाने के लिए। इतनी आसानी से थोड़ी जाने देगी वो। उन समझे तुसी, मेहर को बैठे बैठे अपना करण मिल जाएगा और हमें बैठे बैठे अपनी आजादी। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। ओ वंडरफुल जी वंडरफुल। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। मेहर बेटा, तू इस हालत में सब ठीक तो है ना? बेटा चल चल अंदर आ, अंदर आ। क्या हाल बना रखे तूने? मेहर बेटा क्या हुआ है? आंटी जी वो मैं, बेटा सरबजीत जी ठीक है ना? हाँ। अच्छा शांत हो जा, तू पहले शांत हो जा, बैठ यहाँ, बैठ यहाँ, बैठ हाँ बैठ, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, ठीक है? कैसा लगा आपको आपका नया रूम? अच्छा है ना? हाँ? हाँ तो मैं इससे पूछ लूं, पापा ने बहुत मेहनत की आपके रूम के लिए। लव यू। अब पापा और करण यहां पर रहेंगे एक साथ। अच्छा एक रिक्वेस्ट और, जब तक पापा कोई दूसरा प्लान नहीं बना लेते ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि करण और पापा कहां हैं। हाँ प्रॉमिस। क्या हुआ पत्ता जी? हाँ क्या चाहिए मेरे कुछ लू को? रो क्यों रहे हो? पापा आपको इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना सारा प्यार करेंगे कि आप सबको भूल जाओगे। सरब मेहर परम सबको, दुनिया के
बेस्ट पापा बनूंगा मैं। चाहो कुछ लू, क्या चाहिए? टॉयज से खेलेगा, इतने सारे टॉयज। नहीं पसंद आया? ओके तो ऐसे क्या खेलना भाई, करण के पापा उसके साथ है, करण अपने पापा के साथ खेलेगा। हाँ प्लीज विक्रम जी को फोन करिए ना प्लीज। विक्की तो बेटा अभी ऑफिस गया होगा ना, लेकिन क्या हुआ मुझे बताओ, बात क्या? आंटी जी प्लीज उनको फोन करके पूछिए ना कि वो कहाँ है प्लीज। हाँ मैम मैं पूछती हूँ, मेरा एक मिनट ना। लेकिन बेटा है बेटा कोई बात हुई है क्या, तुम विक्की को क्यों ढूंढ रही हो? आंटी जी वो विक्रम जी वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, और वो आपका फोन तो जरूर उठाएंगे। आप उनको कॉल करो ना, उनको कॉल करो और उनसे पूछो कि वो कहाँ हैं। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। आंटी जी फोन लगा? हाँ हाँ बेटा बेल जा रही है ना, अभी उठा नहीं रहा वो। आंटी जी आप प्लीज ट्राई करिए ना, आप ट्राई करती रहिए प्लीज। हाँ ठीक है प्लीज कॉल। मेरे पुछलू को बहुत सारी भूख लग रही है। पापा ने पुछलू के लिए दूध मंगाते हैं, हाँ? उसके बाद पुछलू रोना बंद कर दे, प्रॉमिस। हेलो रूम सर्विस। यस रूम सर्विस। आई एम कॉलिंग फ्रॉम 8 to 9। यस एक्चुअली मुझे मिल्क चाहिए था नई फीडिंग बॉटल में जी, अब गरम दूध। बच्चा रो रहा है, थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा प्लीज प्लीज। श्योर सर। ओके बस 5 मिनट्स करण का दूध करण के पास आ जाएगा। उई, आपने तो सुसु कर दिया, पापा आपको अभी क्लीन कर देंगे। रूम सर्विस का नंबर बहुत देर से बिजी जा रहा है। सर किसी से बात कर रहे होंगे, आप ट्राई करते रहिए मिल जाएगा। ट्राई करते रहिए। हेलो हेलो इडियट्स। एक्सक्यूज मी ये रूम नंबर 829 में किसी को रूम सर्विस के लिए भेजिए प्लीज। मैं कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आपका होटल है या धर्मशाला? जल्दी जाइए।